आज हम बनाएंगे चना चाट। बड़ी ही आसान सी रेसिपी है, बड़ी ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है। इसे आप रमजानों में भी बना सकते हैं, बड़े ही जल्दी बनकर तैयार हो जाती है और बिल्कुल इसमें ऑयल का यूज़ भी नहीं होता। चलिए बनाते हैं। तो ये मैंने बड़े वाले चने ले लिए हैं, उनको मैंने भिगा कर बॉयल करके ले लिया है। तो मैंने जब इन्हें बॉयल करा था तो थोड़ा सा नमक डालकर बॉयल करा है। अब ये ले लिए हैं मैंने आलू, तो आलूओं को भी बॉयल करके वो छोटे छोटे पीस में कट कर लिया है। तो अब हम आलू डाल देंगे इसमें। ये मैंने आलू डाल दिए, अब डालेंगे हम इसमें बारीक कटी हुई प्याज। अब हम इसमें टमाटर भी डाल देंगे। अब डालेंगे हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया। वो ये मैंने दही ले लिया है, तो दही को अच्छे से फेंट कर ले लिया है। अब ये ले ली है मैंने ग्रीन चटनी। तो ये ग्रीन चटनी और इमली की चटनी मेरी होममेड चटनी है। तो इसकी रेसिपी मेरे चैनल पे मौजूद है, आई बटन में जाके आप इसे भी देख सकते हैं। अब हम डालेंगे इसके ये खट्टी मीठी इमली की चटनी। अब डालेंगे हम इसमें ये चाट मसाला। और ये मैंने फुलकियाँ ले ली हैं। तो फुलकियाँ होती है ना, हम फ्राई करते हैं, कभी कभी चपटी रह जाती हैं, बस ये वही फुलकियाँ हैं। तो ये तो मेरी भूली हुई फुलकियाँ हैं। तो इन्हें हम इस तरह से क्रश करके डाल देंगे। थोड़े से आलू प्याज टमाटर और ऊपर से डाल देंगे हम। थोड़ी सी हरी चटनी और इमली की चटनी मैंने ऊपर से और डाल दी थी। अब डालेंगे हम इस पर ये बारीक वाले खारे। तो ये देखिए हमारी मज़ेदार सी चना चाट बनकर तैयार है। कितनी जल्दी झटपट से बनकर तैयार हो गई। तो इसमें बिल्कुल टाइम नहीं लगता, बहुत ही कम टाइम में ये बनकर तैयार हो जाती है।